Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 14 में हिस्सा लेने वाली जैस्मिन भसीन और अली गोनी के चर्चे अक्सर ही हर जगह फैले हुए होते हैं। जैस्मिन के एविक्शन के समय अली गोनी जिस तरीके से रोते हुए नजर आए थे, उन्हें देखकर कई सारे लोगों के दिल टूट गए थे। जैस्मिन और अली की जुदाई फैंस को अब तक चुप रही है। जैस्मिन भसीन ने बिग बॉस सीजन 14 से बाहर आकर कई सारे मीडिया हाउस से बात की और बताया कि अली गोनी के साथ इस साल के अंत तक शादी कर सकती हैं। जैस्मिन चाहती हैं कि अली बिग बॉस सीजन 14 से बाहर आकर उनके माता पिता से मिले। जैस्मिन के बयान से उनके फैंस उत्साहित हैं, लेकिन एक्ट्रेस के पिता कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जैस्मिन के पापा ने अब अली गोनी और जैस्मिन पर तीखा बयान दे डाला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। भाई, जैस्मिन के पापा की सोच कुछ और है। दरअसल उनके पिताजी चाहते हैं कि वो अपने करियर पर ध्यान दें। जैस्मिन के पापा हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहते हैं, हम जानते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। जब सुरपाल सिंह से जैस्मिन भसीन के एविक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब उसे और अच्छे मौके मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन को इस समय करियर पर फोकस करना चाहिए। जी हाँ, अली और जैस्मिन पर सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन्हें करियर पर फोकस करना चाहिए। जैस्मिन के बाबा के बयान से साफ है कि वो अपनी बेटी को एक्टिंग की दुनिया में और ज़्यादा नाम कमाते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि जैस्मिन को इस समय अली के साथ शादी या रिलेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर अली और जैस्मिन के रिश्ते की बात करें तो ये साफ है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। बिग बॉस सीजन 14 के दौरान भी इन दोनों के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी और फैंस चाहते हैं कि ये जोड़ी रियल लाइफ में भी इसी तरीके से बनी रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ी हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।